डायलॉग के, जैसे मैंने आपसे कहा क्लैप ट्रैप डायलॉग होते थे अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे वो दीवार का बड़ा मशहूर डायलॉग है, मेरे पास तो कार है और बंगला है और ये है और वो है और तुम्हारे पास क्या है, वो कहता है मेरे पास माँ है, और हॉल तालियों से गूंज रखता था। वो अब नहीं हो रहा है, वो नहीं इसलिए नहीं हो रहा है कि वो लैंग्वेज और उस ईडियम से लोग वाकिफ नहीं रहेंगे, और उसके बजाय लेकिन उन्हें ये मालूम है कि किसी फिल्म में क्लैप ट्रैप डायलॉग फिल्मों में हुआ करते थे और होने चाहिए, लेकिन वो उनकी वोकैबुलरी इजाज़त नहीं देती कि वो सोच सके ऐसा कोई डायलॉग या अप्रिशिएट कर सके, मुग़ल आज़म का डायलॉग या शोले का डायलॉग। तो इसके लिए इसके बजाय उन्होंने एक शॉक ट्रीटमेंट समझ लिया, नहायत गंदी गालियाँ बाजारी डाल दो, लोग चौंक उठेंगे, लोग चौंक उठेंगे, यकीनन चौंक उठेंगे। और लेकिन ये कि ये चौंकना वैसा चौंकना नहीं है जिसको जो अप्रिशिएट किया सके। हम जब लोगों से कहते हैं तो कहते हैं साहब वो हमारा कैरेक्टर ऐसा है, वो गाली बकता है। मंटो ने एक मरतबा अपने अफसानों के बारे में कहा था कि मैं गाली थोड़ी बकता हूँ, मेरा तांगे वाला गाली बकता है। लेकिन फिल्म के मीडियम का एक और बात होती है, मिसाल के तौर पर इसे गालियाँ बकना कोई ऐसी नई बात नहीं है और कोई बहुत बुरी बात भी नहीं, हम सब गालियाँ बकते हैं, मैं भी बकता हूँ। लेकिन एक तहजीब थी हमारी कि हम आपस में दोस्तों, हम उम्र दोस्तों में बैठकर हर तरह की बातें करते थे, लेकिन अगर हमारे मजमे में कोई बुज़ुर्ग आ जाए तो हम गालियाँ नहीं बकते थे, कोई औरत आ जाए तो हम गाली नहीं बकते थे, फौरन रोक देते थे अपनी ज़बान, कोई बच्चा आ जाए तो हम फौरन रुक जाते थे, गाली नहीं बकते थे, क्योंकि हम समझते थे ये तहजीब के ख़िलाफ़ है। फिल्म वाले एक बात भूल जाते हैं कि यकीनन उनका करेक्टर गाली बकता है, मगर वो गाली बक रहा है जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं उनमें एक बुज़ुर्ग भी शामिल है, एक औरत भी शामिल है और एक बच्चा भी शामिल है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेकर को कि वो जहन में रखे कि हम गाली सुना किसको रहे, और क्या ये गाली वो मैसेज देगी उस बुज़ुर्ग को, क्या मैसेज देगी उस औरत को, क्या मैसेज देगी और उस बच्चे को क्या मैसेज देगी जो बैठा हुआ देख रहा है और सुन रहा है। ये क्राइटेरिया निकल गया, लेकिन ये एक LIB है, चूँकि अच्छे डायलॉग उनके बस से बाहर है, वोकैबुलरी पर वो काबू नहीं है, इसलिए वो उसको कंपनसेट करते हैं इस तरह की बातों से। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में तीन ज़माने देखे। मैंने एक ज़माना वो देखा कि जब हीरोज़ और हीरोइंस, चाहे वो उन रिलीजन उनका कुछ भी हो या वो, अपने डायलॉग उर्दू में मांगते थे। बहुत से ऐसे थे जो उर्दू के अलावा कोई ज़बान जानते ही नहीं थे, धर्मेंद्र साहब, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और कई, राजकुमार, जो उर्दू के अलावा कोई ज़बान जानते ही नहीं थे, वो अपने डायलॉग, हद ये है कि हेमा मालिनी तक भी कभी कभी कहती थी उर्दू में लिख के दो, नहीं वो पढ़ लेती थी, वो सब सीखते थे उर्दू, जितने बाहर से साउथ के और उन सब के जाते थे बंगाल से, वो उर्दू सीखते थे कि कहीं तलफ़ुज़ गलत ना हो। वो इस बात को जानते थे कि खुदा को खुदा कहा तो मतलब बदल जाएंगे, खुदा कुछ और होता है, खुदा कुछ और होता है, तो वो ये ख्याल रखते थे। लता मंगेशकर को देखिए, क्या ऐसा तलफ़ुज़, ऐसा प्रोनंसिएशन है कि लखनऊ वाले शर्मा जाए, क्या मजाल जो बेकरार को बेकरार कह दें या खुशी को खुशी कह दें, बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन अब ये रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने वो दौर देखा कि सब उर्दू में लिखते थे, मांगते थे, फिर वो दौर देखा कि सब, चाहे उनका रिलीजन या रीजन कुछ भी हो, वो अपने डायलॉग हिंदी में मांगते थे क्योंकि हिंदी प्रिवलेंट हो गई थी। और अब मैंने ये देखा कि TV सीरियल्स और फिल्मों में हीरोज और हीरोइंस अपने डायलॉग रोमन स्क्रिप्ट में मांगते हैं, और उसकी वजह वही है जो मैं बता चुका हूँ, वो अंग्रेज़ी स्कूलों से पढ़ लिए,
पढ़ के निकले हैं। हिंदी उन्होंने इसलिए पढ़ ली गई कि मार मार के पढ़ा दी, पढ़ना ही थी, लेकिन बुनियादी तौर पर उनका मीडियम अंग्रेजी रहा। तो आज वो न उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, न हिंदी स्क्रिप्ट रवानी से पढ़ सकते हैं, चाहे जितने बड़े बड़े अक्षर लिखे जाएं, वो काला अक्षर महसी बराबर होगा उनके लिए। तो इसलिए वो रोमन स्क्रिप्ट में मांग रहे हैं। अब ये सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी हैं, ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मेरे ख़्याल में तो किसी कौम की बुनियाद उसका कल्चर, उसकी ज़बान और उसकी तहजीब होती है। और मुझे बास वक्त ये ख़्याल आता है कि हमारी हिंदी फिल्मों में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, बहुत नई नई चीज़ें आ गई, मगर हमारी हिंदी फिल्मों से हिंदुस्तान गायब होता जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ एक ट्रेजेडी।